हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड, वेलकम टू मधुज ऑनलाइन रेसिपीज। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ्ड साबूदाना के कटलेट, जो कि हम व्रत और उपवास में भी खा सकते हैं। उसे बनाने के लिए हमने एक कप साबूदाना लिया है। इसे हम पहले बाउल में एक डालेंगे और उसे साफ पानी से पहले इसे हम धो लेंगे। ये देखिए, हमने इसे धो लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी भिगाने के लिए। इसे हम पानी डालना कितना है ये आप ध्यान से देखिएगा इसको, कि हमें साबूदाना जो है हमारा बस उसमें डूब जाना चाहिए। उसके ऊपर हल्की सी एक परत बस पानी की रहनी चाहिए इस तरीके से। उससे ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। इतना पानी में ये अच्छे से एकदम साबूदाना हमारा भीग जाएगा, सॉफ्ट भी रहेगा और एकदम हमारे खिले खिले रहेंगे इसके दाने सारे। ये आपको देखिए दिख रहा होगा, इस तरह से मैं साइड से भी दिखा रही हूँ आपको, कि हमारा इतना ही वो पानी होना चाहिए बस। साबूदाना के ऊपर हल्का हल्का रहना चाहिए वो पानी इस तरह। ये देखिए, हमारा 3 से 4 घंटे के बाद में हमने जब देखा ये हमारा साबूदाना अच्छे से भीग गया है। इसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये एकदम एक एक दाना इसका देखिए खुला हुआ है पूरा, न चिपचिप एकदम बिल्कुल भी नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा पानी भी नहीं है। और ये देखिए हमारे दाने हैं वो भी एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा अगर चाहिए तो आप 5-6 घंटे इसको इस तरह से भिगा कर रखिए, ऐसे ही ये आपके एकदम सॉफ्ट आ जाएंगे। अब वो हमारे हो गए हैं। अब उसको उसके हमने 2 आलू को हमने बॉईल कर लिया है, बड़े साइज़ के जो आलू है उन्हें हमने बॉईल करके अब इसे हम स्मैश कर देंगे इस तरह से। अब इसके अंदर हमने जो साबूदाना भिगा के रखा था वो अब इसमें हम डाल देंगे। हम पूरा साबूदाना हमने जो भिगाया था इसमें अब डाल देते हैं हम। ये कटलेट बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसमें स्टफिंग करके करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये हमने मूंगफली के दाने लिए हैं, यानी पीनट्स या फिर फली जिसे बोलते हैं, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। हमने कच्ची मूंगफली को हम ग्राइंड कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे रोस्ट करके भी उसको दरदरा इस तरह से पीस करके इसमें डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर कच्ची को ही रोस्ट किया है। ये इस तरह से देखिए दरदरा हमारा होना चाहिए, एकदम बारीक पाउडर नहीं करेंगे हम लोग। थोड़ा सा इसका दाना रखेंगे ताकि तब वो जो सिकेगा तो उसका क्रिस्पीनेस उसमें अच्छा लगेगा उसका। अब इसे हम लोग 3 बड़े चम्मच यानी 3 टेबल स्पून हम लोग ग्राउंड नट की जो है वो उसमें डाल देंगे पाउडर का। इसके साथ में हम लोग डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। ये हमने करी लीव्स लिए हैं, 10 से 15 करी लीव्स को हमने कैंची से एकदम छोटा छोटा चॉप कर लिया है ताकि उसका फ्लेवर भी आए और वो अलग से मुंह में नहीं आए, हम लोग के कटलेट के साथ में वो पूरा मिक्स हो जाएगा और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ में। अब हमने यूज़ किया है रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक। आप इसे काशना और में भी खा सकते हैं। अगर आप ये नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह ब्लैक सॉल्ट यूज़ कर लीजिए। हमने लिए अब चिली पेस्ट, आप हरी मिर्ची का आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिए। आप चाहे तो चॉप करके चिली में जो है हरी मिर्ची उसे भी आप बारीक बारीक काट करके भी इसमें डाल सकते हैं, पेस्ट अगर नहीं है तो। हमने उसे स्पून के बजाय हाथ से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि आलू मसाला और सारा पूरा साबूदाना के साथ अच्छे से एकदम मिक्स होकर के एकदम बाइंडिंग फॉर्मेशन में इसका डो तैयार हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमारा ये मिक्स होने के बाद में ऐसा हमारा रहेगा तैयार। अब हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमने 75 ग्राम हमने पनीर लिया है जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं पनीर को हम। अब इसके साथ में हम कुछ मसाले डालेंगे ताकि उसका फ्लेवर बढ़ जाए। सबसे पहले हमने ग्रीन चिली पेस्ट डाला है 1/2 छोटी चम्मच, आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से ग्रीन चिली डालिए। ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्ची का 1/2 छोटी चम्मच। अब हमने धनिया पत्ती जो चॉप करके रखी थी फ्रेश उसे हम इसमें डाल देंगे। धनिया पत्ती और का इन सब का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब फिर से हमने रॉक सॉल्ट या फिर ब्लैक सॉल्ट जो भी है आप इसमें डाल लिए अपने टेस्ट के हिसाब से। जो पनीर है उतना ही हमें नमक डालना है उसे। अब इसे भी हम हाथ से ही मिक्स करेंगे थोड़ा स्मैश करते हुए, ताकि कि पनीर जो हम लोग का खुला खुला था वो एक बाइंडिंग फॉर्म में आ जाए। इस तरह से थोड़ा सा मसल करके उसे हम मिक्स करेंगे हम। अब हम किस तरह से कटलेट बनाते हैं वो देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग साबूदाना का जो बैट जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो लेते हैं। जितना हमें कटलेट चाहिए उतना ही आप मिक्सचर लीजिए। अब उसे इस तरह से करके हम फ्लैट कर लेंगे हाथ के हथेली के ऊपर उसे बढ़ा करके। इस तरह से हम अब बीच के अंदर में हम जो पनीर जो हमने तैयार किया था पनीर का जो मिक्सचर उसका छोटा ऐसा बॉल लेकर के इसके अंदर हम डाल करके चारों तरफ से उसे हम साबूदाना के उससे रैप कर देंगे।
जैसे कचौरी और की जो भी फिलिंग्स और हम लोग जैसे नहीं करते उस तरीके से, या पूरी में कोई पराठा में जो मसाला डाल के स्टफिंग करके उसे करते हैं उसी तरह से डाल करके, अब इसे हम दबा करके फ्लैट अपना पोषण दे सकते हैं। शेप साइज जो आपको अच्छा लगे वो आप इससे दे सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है आपका। ये इस तरह से देखिए हमारे कटलेट तैयार हो गए हैं, बाकी कटलेट भी हम इसी तरह से बना लेंगे। अब हम कैसे हमें शैलो फ्राई करना है उसके लिए एक पैन चढ़ा देंगे, उसमें उतना ही तेल ले जितने में आसानी से वो कटलेट हमारे आधे डूब जाए, उतना ही हमें पैन में तेल लेना है। तेल हमारा जब अच्छा गर्म हो जाएगा तब उसमें हम हमारे जो कटलेट बनाए हैं वो डाल देंगे। हमारा फ्लेम है जो कि अभी मीडियम रहेगा, हाई पे नहीं करना है और ना एकदम लो पे करना है हमें, मीडियम में हम रख करके इसे इसे फ्राई शैलो फ्राई करेंगे हम। ये हमने डाल दिया, जब तक वो नीचे से थोड़ा गोल्डन कलर का नहीं हो जाता तब तक हम फ्राई करेंगे। साइड से हमें दिखने लग जाएंगे, जब वो गोल्डन होने लगेंगे नीचे से तो हमें साइड से वो आसानी से दिखेंगे। ये देखिए थोड़े थोड़े आपको रेडिश दिख रहे होंगे वहां पर, वो हो गए हैं। अब इसे हम पलट देते हैं इस तरह से, एक एक करके हम उसको पलट देंगे हमारे जो कटलेट्स है वो। ये सारा हो गया, अब नीचे की तरफ से भी उसे सिकने देते हैं। ये देखिए हमारा ये एक सिक गया है, तो इसे हम पहले सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, टिश्यू पेपर लगा करके उसमें निकालेंगे क्योंकि थोड़ा सा तेल एब्जॉर्ब करते हैं कटलेट, तो इसीलिए एक्स्ट्रा तेल जो है वो टिश्यू पेपर ले लेगा। हमारे कटलेट तैयार हो गए, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और व्रत में खाने वाला।